दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स ए एंड वी हैव टू शो दैट ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई इक्वल्स टू जीरो। तो ए क्यूब को ओपन पहले सबसे पहले ए स्क्वायर क्या होगा ए इन टू ए, तो अपन निकल लेते हैं पहले वन 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 टू माइनस थ्री टू माइनस वन थ्री वन 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 टू माइनस थ्री टू माइनस वन थ्री। तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस टू वन प्लस टू माइनस वन एंड वन माइनस थ्री प्लस थ्री वन प्लस टू माइनस सिक्स वन प्लस फोर प्लस थ्री एंड वन माइनस सिक्स माइनस नाइन हो जाएगा टू माइनस वन प्लस सिक्स टू माइनस थ्री एंड जाएगा टू प्लस थ्री प्लस नाइन। ए स्क्वायर अपने पास क्या आया फोर टू वन माइनस थ्री एट एंड माइनस फोर्टीन टू माइनस वन वन ये हो गया सेवन टू माइनस टू माइनस थ्री एंड टू प्लस थ्री फाइव फोर्टीन ये अपने पास आ गया ए स्क्वायर। अब ए क्यूब क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा फोर टू वन माइनस थ्री एट माइनस फोर्टीन सेवन माइनस थ्री फोर्टीन। ए क्या था ए मैट्रिक्स थी अपनी वन 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 टू माइनस थ्री वन 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 टू माइनस थ्री एंड टू माइनस वन थ्री टू वन थ्री। ए क्यूब जो निकलेगी वो क्या निकलेगी फोर प्लस टू प्लस टू फोर प्लस फोर माइनस वन फोर माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस एट माइनस ट्वेंटी एट माइनस थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस फोर्टीन माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टी टू सेवन माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी एट सेवन माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन सेवन प्लस नाइन प्लस फोर्टी टू। तो ये क्या आई ए क्यूब मैट्रिक्स कितनी आई एट सेवन वन माइनस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव और ट्वेंटी फोर होता है माइनस सिक्सटी नाइन सेवन माइनस थ्री फोर थर्टी टू सेवन माइनस सिक्स वन माइनस थर्टीन एंड सेवन प्लस नाइन सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फोर्टी टू फिफ्टी सिक्स। ए क्यूब आ गई अपने पास। ये अपन को आइडेंटिटी क्या बोली है ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई इक्वल्स टू जीरो। अपने पास ए क्यूब आया था ये तो लिख लेते हैं एट सेवन वन माइनस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटी नाइन थर्टी टू माइनस थर्टीन फिफ्टी सिक्स माइनस सिक्स टाइम्स
ए स्क्वायर क्या आया था? 421, 421 माइनस 38 माइनस 14 माइनस 38 माइनस 14 7 माइनस 3 14 7 7 माइनस 3 14 प्लस 5 ए क्या था? ये था अपना 111 12 माइनस 3 21 माइनस 3 112 माइनस 3 2 माइनस 1 3 प्लस 11 इंटू 100 010 001 ये अपना LHS है LHS तो 6 इससे मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट से कर देते हैं 8, 7, 1, 23, 27, minus 69, 32, minus 13, 56, minus 24, 12, 6, minus 18, 48, minus 54, 42, minus 18, or 84, प्लस 5, 5, 5, 5, 10, minus 15, 10, minus 5, 15, प्लस 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11, तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म सारे ऐड हो जाएंगे मैट्रिक्स एडिशन के अंदर, तो क्या आएगा अपने पास? 8 minus 24 plus 5 plus 11, 7 minus 12 plus 5 plus 0, minus 23 plus 18 plus 5 plus 0, 27 minus 48 plus 10 plus 11, and ये आएगा minus 69 plus 84 minus 15 plus 0, ये आएगा 32 minus 42 plus 10 plus 0 माइनस 13 प्लस 18 प्लस सॉरी माइनस 5 प्लस 0 एंड लास्ट टर्म क्या आएगी? लास्ट टर्म आएगी 56 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11, तो ये क्या हो गया? 24, 8, 5, 13 प्लस 11, 24 माइनस 24, ये सारे हो जाएंगे 0, 0, 0, 0, 0, ये था LHS और ये ही RHS में प्रूव करना था, तो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब अपन को मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स क्या होता है मैट्रिक्स का? इन्वर्स होता है मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट A। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट 1, 1, 1, 1, 2, minus 3, 2, 1, minus 3, minus 3, minus 1, 3, इसका मोड निकाल लेते हैं। तो रो 1 के अराउंड अगर इसको खोल देंगे तो क्या आएगा? 1 into 6 minus 3 minus 1 into 3 plus 6 plus 1 minus 1 minus 4, क्या आया ये? 3 minus 9 minus 5, कितना हो गया? -11। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या आएगा? एडजॉइंट आएगा A11, A12, A13,
a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये कोफैक्टर्स है इसके, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के का ट्रांसपोज। तो इसके a11 कितना आएगा विद द साइन, तो साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होते हैं। तो जो इसका कोफैक्टर होगा, इस वाले का कोफैक्टर, वो प्लस के साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा, वो कितना होगा, 6 माइनस 3 हो गया 3। इसका जो स्लोप होगा वो माइनस के साथ आएगा, वो कितना हो गया 1 3, माइनस प्लस 6 9 हो गया -9। और इसका जो कोफैक्टर आएगा 1 का, वो आएगा 1 -1 -4, और प्लस साइन के साथ आके -5। इसका जो कोफैक्टर आएगा इसका, वो क्या आएगा 3 -1 -4, वो आएगा माइनस साइन के साथ। 2 का जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा 3 -2, वो आएगा प्लस साइन के साथ। 3 का जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा माइनस साइन के साथ, तो क्या आएगा -1 -2, हो गया -3, और माइनस के साथ आना था तो 3। 2 का जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा -3 -2 -5, और प्लस साइन के साथ आना था तो माइनस माइनस रहा, -1 आ लेगा, -3 -1 -4, इसका माइनस के साथ आना था तो ये +4, और 3 का प्लस के साथ आएगा तो आएगा 2 -1 1। तो ये, और इसका अपन को ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ये डायगोनल के टर्म्स एज इट इज उतार देते हैं, होता है 3 1 1, और ये जो टर्म्स हैं ये आपस में एक्सचेंज देते हैं, ये वाला टर्म आपस में एक्सचेंज होगा, ये वाला टर्म आपस में एक्सचेंज होगा, और ये वाला टर्म आपस में एक्सचेंज होगा। तो ये क्या हो गया -4 -9, ये -5 का -5 ही रहा, ये आ गया 4 और ये आ गया 3, ये अपना एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी अपनी, डिटरमिनेंट की वैल्यू थी -1, तो ए इनवर्स होगा 1/ डिटरमिनेंट है इनटू एडजॉइंट है, वो क्या हो जाएगा -1/11, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1 -, अंदर ले जाएंगे तो हर का साइन चेंज हो जाएगा, 1/11 इंटू -4 -4 -5 -1, ये अपना आ गया A इनवर्स।